इनकी बहू हूँ, मैं इनकी बहन की बहू हूँ। हमारे बेकसूर अंकल को मारा इन्होंने, हमारे बेकसूर, हमारे ईमानदार अंकल को मारा। हम इंडियन हैं, हम इंडियन हैं, हाँ, हम हैं। हमारे अंकल को मारा इन्होंने, हमारे अंकल को मारा इन्होंने। लोगों की हिफाजत के लिए अपना फर्ज अंजाम दे रहा है, उसको इस तरह से मारपीट करके उसको मार देना, इससे बड़ा शर्मनाक वाकया कोई हो नहीं सकता है। और खासकर ये जो डीएसपी साहब थे, इन्होंने ये सोचा कि ये इनका अपना इलाका है, इसलिए इन्होंने बड़े दिन की वजह से जो इनके पास अपने सिक्योरिटी के लोग थे, उनको बोला कि वो चले जाए अपने घरों में शव खाने के लिए। तो इससे ज्यादा भरोसे का खून क्या हो सकता है। बिहार पुलिस इज वन ऑफ द बेस्ट पुलिस फोर्स इन द कंट्री। दे आर शोइंग मैक्सिमम रिस्पेक्ट बिकॉज दे फील दे आर डीलिंग विद देयर ओन पीपल। पर हाउ लॉन्ग, कब तक ऐसे चलेगा? अभी कुछ दिन पहले SHO, उसके सतवास पुलिस वाले, कल ये DSP को, अगर आप इस तरह से ये सलूक उनके साथ करेंगे तो खुदा ना खास्ता अगर इनका सब्र जवाब देगा तो फिर शायद वही खुदा ना खास्ता वो पुराना वक्त ना आए कि आप सड़क पे जिप्सी देखते ही लोगों को भागना पड़ेगा। DSP साहब को एक्सेस कंट्रोल के लिए मस्जिद में लगाया था ताकि कोई गलत अनासर लोगों को डिस्टर्ब ना करे, वहाँ कोई हालात खराब ना करे, ताकि लोग वहाँ पर नमाज पढ़ सकें, खुदा का नाम ले पाएं, और अच्छाई और बुराई में लोगों को समझना चाहिए हमारे लिए अच्छा क्या है बुरा क्या है। जो उनकी हिफाजत के लिए वहाँ ड्यूटी कर रहा था उसी को लिंच कर दिया।